मंडला जेल में बंद एक कैदी के पथरी के इलाज के नाम पर जेल का कंपाउंडर 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त द्वारा दबोचा गया है। आरोपी कंपाउंडर ने विचाराधीन कैदी के साले से 7,000 रुपयों की मांग की थी। रुपए ना देने पर इलाज कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इसकी शिकायत लोकायुक्त से फरियादी ने की। आज जैसे ही कंपाउंडर को रिश्वत की रकम दी जा रही थी, उसी समय लोकायुक्त ने दबिश देते हुए कंपाउंडर को पकड़ लिया। बताया जाता है कि जेल में बंद विचाराधीन कैदी संजय सिंगौर को पथरी की शिकायत है, जिसका समय पर इलाज कराने और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए उसका साला रविंद्र पटेल कई दिनों से जेल के चक्कर काट रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात जेल के कंपाउंडर मनोज डोंगरे से हुई, जिसने इलाज और समय पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 7,000 रुपए की मांग की। राशि ना देने पर इलाज कराने से इनकार कर दिया गया, साथ ही दवाइयां भी उपलब्ध कराने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना लोकायुक्त से की, जिसके बाद आज कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया गया। कार्रवाई में निरीक्षक घनश्याम सिंह मर्सकोले, कमल सिंह उइके, भूपेंद्र दीवान, रंजीत सिंह एवं आरक्षक अमित मंडल, अमित गावड़े, शरद एवं जीत सिंह उपस्थित रहे। तो शिकायतकर्ता रविंद्र पटेल हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि उनके जीजा जी 420 के अपराध में विचाराधीन कैदी हैं और उनको कोई गंभीर बीमारी डिसीज हुई है, स्टोन डिसीज और कुछ इन्फेक्शन है, तो उसका इलाज करवाने के लिए और उसको समय पर दवाइयां देने के बदले में इनसे 7,000 की मांग कर रहा था। कंपाउंडर हैं मनोज डोंगरे, तो आज उन्हीं की शिकायत पर हम लोगों ने उनको रंगे हाथ 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, जिस पर कार्रवाई चल रही है। पूरा परिचय सर जी? पूरा परिचय, मैं निरीक्षक घनश्याम सिंह मर्सकोले और टीम में हमारे कमल सिंह उइके और दीवान जी हैं, क्या बोलते हैं अपने भूपेंद्र दीवान, रंजीत सिंह और आरक्षक शरद पांडे, आरक्षक अमित और आरक्षक अमित गावड़े। कि मेरे यहाँ जो जीजा जी हैं वो लगभग एक महीने से जेल में हैं। जेल जाने के पहले से उनके पेट में पथरी की शिकायत है, जिसका इलाज बाहर चल रहा था। तो जो जेल जाने के बाद जेल कंपाउंड में जेलर साहब के पास, जेल डॉक्टर के पास हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उनका बाहर का इलाज चल रहा है करके, और तो उनको मतलब दवाइयाँ समय पर मिले, हम दवाइयाँ समय पर देंगे, ये वो करके ये हमसे पैसे की मांग कर दे रहा है। हमने कुछ बार पैसे भी दिए, लेकिन अभी दो कम से कम तीन दिन से उनके पेट पे तकलीफ बढ़ गई। उनको रात भर जलन होती थी पेट में, रात भर वो सो नहीं पाते थे। जब हम जेल मुलाकात गए तो मेरे यहाँ जीजा जी ने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, तो हमने फिर जेल कंपाउंडर से बोला, जेलर साहब से बोला, तो जेलर साहब बोले, जेलर साहब के नाम पे डोंगरे जी बोले कि जेलर साहब यदि अस्पताल भेजना है तो जेलर साहब को लगभग 5,000 रुपये देना पड़ेगा और 2,000 रुपये मेरा रहेगा, तो कुल 7,000 रुपये मुझे देना। तो हमने हाँ कह दिया। इसके बाद मैंने लोकायुक्त जबलपुर टीम से बात की, इन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग किया, परसों के दिन मुझे डिवाइस दी, डिवाइस पे मैंने इनकी रिकॉर्डिंग पहुँचाई, कल और आज ये सुबह मंडला आ गए। मंडला आके जो उचित कार्रवाई है वो करके मुझे पाउडर वाले नोट दिए गए और रेड क्रॉस पर जहाँ डोंगरी जी ने बुलाया मैंने उन्हें वहाँ जाकर वो नोट उनको 7,000 रुपये उनको दिए, और जैसे नोट दिए तो लोकायुक्त की टीम ने उन्हें ट्रेस कर लिया। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के मंडला से विनय नामदेव की रिपोर्ट।